चलिए आइए, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा बहुत बड़े ढंग से कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि समझाने की गारंटी तो मेरी है पर नोट्स बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई साहब, पूरे तरीके से तुम्हारी है। तो बहुत बड़े ढंग से कॉपी और पेन लेके बैठना है, ऐसे हाथ नहीं बांध के बैठना है जैसे सत्यनारायण जी की कथा सुनने के लिए आयो। हाँ सर सुनाओ, हम सुन लेंगे। भाई साहब हाथ बांध के ऐसे फिजिक्स आने वाली नहीं है, है ना। जब लिख लिख के करोगे ना, लिख लिख के, तब फिजिक्स आएगी। और बेटा जैसे कि आप जानते हो, आपके इस चैनल फन विद फिजिक्स में हम लोग जेई एडवांस और नीट को टारगेट करके ही स्टडी करते हैं, ठीक है। अपना बोर्ड से या जेई मेन से कोई खास लेना देना नहीं है, जेई मेन से तो लेना देना ही, तभी तो जेई एडवांस दे पाएंगे, पर जेई एडवांस लेवल तक की चर्चा हम लोग इस चैनल में करते हैं। और बेटा जैसे कि आप हमेशा जानते हो कि बिल्कुल किसी भी चर्चा को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठाता हूं, ऐसा मान के कि आपको कुछ आता ही नहीं है भाई साहब, बिल्कुल जीरो लेवल से और सीधा जेई एडवांस तक, बीच में रुकने का अपना कोई काम नहीं है। अरे हाना तो बोल, बात समझ आ गई ना मेरी पक्के तरीके से। अच्छा सुनो, तो आज की जो चर्चा है ना बेटा हमारी, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। किस बारे में बात करने वाले हैं? स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज की जो चर्चा रहेगी वो बिल्कुल बेसिक चर्चा रहेगी, जिसमें आखिरी में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दूंगा, है ना। कुछ ऐसी चीजें जो आज तक आप लोगों ने गलत पढ़ी हुई थी, आज मैं उसको एकदम ठीक कर दूंगा और जेई एडवांस वाला तड़का डाल दूंगा उसके अंदर के। हाँ देख, ऐसे सवाल बनते हैं और तुम्हें बनाने आने चाहिए, है ना। देखो सुनो आ जाओ, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं। अच्छे ढंग से कंसेप्ट की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, सारी बात करेंगे एकदम बहुत बड़े ढंग से, है ना। तो बात कर रहे हैं किसकी? स्फेरिकल मिरर्स की। ओके, किसकी बात कर रहे हैं? स्फेरिकल मिरर्स की बात हम लोग आज कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? देखो सुनो आ जाओ। देखो मैंने क्या बोला बेटा कि एक ना ये कांच का गोला है, ठीक है। ये क्या है बेटा? एक कांच का गोला है, ठीक है। कांच का गोला भरमा एकदम ऐसे, कांच का गोला है, ठीक है। कांच का गोला, ओके, कांच का गोला। कोई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन रहे हो, ये ग्लास स्फीयर है, स्फीयर ऑफ ग्लास, ओके, स्फीयर ऑफ ग्लास। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया, स्फीयर ऑफ ग्लास। मैंने कहा भाई ठीक है, मेरे को बात समझ आ गई, स्फीयर ऑफ ग्लास। तो बेटा अब ध्यान दीजिए, तो अगर इस कांच के गोले को अगर मैं अंदर की तरफ से पॉलिश कर दूं, क्या कर दूं इसे? अंदर की तरफ से पॉलिश कर दूं। आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक होने वाली है, टुवर्ड्स द एंड आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो आ जाओ सुनो, तो मैंने क्या बोला, एक कांच का गोला था, उसको मैंने अंदर की तरफ से ऐसे पॉलिश कर दिया। बाकी स्किप मत करना, नहीं तुम मारे जाओगे। बहुत बढ़िया। अच्छा फिर क्या करा बेटा, ध्यान से देखें तो इस गोले का एक ये सेंटर होगा, है ना, और ये इस गोले की रेडियस होगी। ये क्या होगी? इस गोले की रेडियस होगी। बेटा जैसे ही मैंने इसको अंदर की तरफ से पॉलिश कर दिया ना, तो बाहर की तरफ से ये क्या बन गया? मिरर बन गया। जानते हो ना ऐसे तो बनता है, किसी भी सरफेस को एक तरफ से अगर आप पॉलिश कर दें तो दूसरे तरीके से क्या बन जाता है? वो दूसरे सरफेस से क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। तो ये बाहर की तरफ से क्या बन गया है? ये बाहर की तरफ से एक मिरर बन गया है। अब अगर इस मिरर के एक छोटे से पोर्शन को अगर मैं काट के निकाल दूं, अब इस मिरर के अगर एक छोटे से पोर्शन को यहां से काट लो या यहां से काट लो, मान लो ये मैंने काट के निकाल दिया, अब इस वाले पोर्शन को मैं स्टडी करना चाहता हूं, ठीक है। इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखें, तो क्या ये जो कटा हुआ पोर्शन है, क्या ये आपको ऐसा ही नजर आएगा क्या? हाँ, जिसके पीछे की तरफ क्या हुआ है? पॉलिश किया हुआ है। क्या क्या हुआ है? पॉलिश किया हुआ है, है ना बेटा। ये जो मिरर आपके सामने बना है, इस मिरर को बोला जाता है कन्वेक्स मिरर। क्या बोला जाता है बेटा? कन्वेक्स मिरर। क्यों कन्वेक्स मिरर? क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो देखो बाहर की तरफ उठा हुआ है ना, जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो बाहर की तरफ उठा हुआ है, इसलिए इसे बोला गया कन्वेक्स मिरर। हिंदी में इसे उत्तल दर्पण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तल दर्पण, ठीक है। उससे अपना कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से देखो। अच्छा सुनो, तो बेटा ये जो आर्क है बेसिकली, ये जिस गोले में से काट के निकाली गई है, ये आर्क जिस गोले में से, आर्क नहीं होगा बेसिकली, एक सरफेस होगा ये, क्योंकि स्फीयर है ना। तो ये जो सरफेस है बेसिकली, जिस गोले में से काट के निकाला गया है, उसका जो सेंटर होता है उसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। देखो यहां पर कहीं सेंटर रहा होगा ना? अरे हाँ ना बोलो, यहीं पे सेंटर रहा होगा ना? देखो गोला अगर ऐसा है तो गोले के अंदर ही तो सेंटर होता है यार, बाहर थोड़ी सेंटर होता है। अरे आना तो बोलो, अगर मैं ये वाला पोर्शन कंसीडर करता तो मैं कहता देख ये सेंटर रहा, क्योंकि गोले के अंदर सेंटर होता है। ऐसा लॉजिकली अपने को समझ आना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं ऐसे इसको सीओसी बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? सीओसी। जैसे ही मैं सीओसी बोलूं, समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा हूं। अच्छा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को बाहर सरफेस से मिलाने वाली जो ये जो लाइन है ना, इसको मैंने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। उस गोले की जो रेडियस है इसको बोला गया बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला गया इसे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला गया। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, ये हो गई अपनी
रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो बेसिक बेसिक बातें हैं, नाइन्थ क्लास के बच्चे को भी पता होता है, इसमें क्या नया बता रहे हो सर, है ना, कुछ बता भी नहीं रहा नया, अभी तो बेसिक चल रहा है बिल्कुल एकदम, है ना। फिर क्या करा मैंने, मैंने कहा देखो भाई तो बहुत बड़ी इतनी बात हम लोगों ने कर ली, मैंने कहा उसी तरह से मान लो कि दोबारा अगर एक और कांच का गोला रहा होता, क्या रहा होता, कांच का गोला रहा होता, स्फीयर ऑफ ग्लास इस तरह से रहा होता, तो ये हो जाता उसका सेंटर, अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये हो जाती उसकी रेडियस, अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अब मैंने क्या करा बेटा, अब मैंने उसको बाहर की तरफ से पॉलिश कर दिया, क्या कर दिया उसको, बाहर की तरफ से ऐसे पॉलिश कर दिया, तो बाहर की तरफ से अगर पॉलिश कर दूंगा तो अंदर की तरफ से क्या बन जाएगा, अरे मिरर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। तो अब क्या करें, अपन इसके एक छोटे से हिस्से को काट के यहां पर ऐसे निकाल लें, इसके छोटे से हिस्से को काट के यहां से निकाल लें, तो देखो ध्यान से देखो क्या बन गया, ये ऐसा बन गया ना जो कि बाहर की तरफ से देखो यहां से ऐसे पॉलिश्ड है ना, तो अंदर वाला सरफेस कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, जिस तरह से पॉलिश कर दोगे दूसरा वाला हिस्सा क्या बन जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। तो बेटा ध्यान से देखें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धसा हुआ है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धसा हुआ है, इसीलिए इसे बोला गया कनकेव मिरर, है ना, सरफेस तो कनकेव सरफेस है और मिरर है तो कौन सा है, कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ये हो गया अपना कनकेव मिरर, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा इसका सेंटर कहाँ होगा, देखो ऐसे गोले का सेंटर कहाँ होगा, भाई गोले का सेंटर तो गोले के अंदर ही होता है ना, आर्क के अंदर ही होता है, तो उसका सेंटर कहीं यहां रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, और ये क्या रही होगी इसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर रही होगी, क्या रही होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर रही होगी। तो बेटा अभी तक मैंने आपको क्या बताया, कन्वेक्स मिरर बताया, कनकेव मिरर बताया, इसके अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताई, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नौवीं दसवीं के बच्चे को भी इतना बेसिक ज्ञान आता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पक्की बात। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से नोट कर लो 2 मिनट में, ठीक है, मेरे साथ लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है, अच्छा लग रहा हूं मैं एकदम ऐसे, आ जाओ चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा और छोटी छोटी बातें मैं तुम्हारे साथ करता हूं, देखो एक और चीज होती है जिसे कहते हैं पोल ऑफ द मिरर, क्या कहते हैं बेटा, पोल ऑफ द मिरर। मैंने कहा अच्छा भाई पोल ऑफ द मिरर ये क्या होता है, देखो एक तो किताबी डेफिनेशन है, एक क्या है किताबी डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, सुनो, बोला अगर मान लो कि अगर ये मिरर है, बोला मान लीजिए कि ये क्या है बेटा एक मिरर है, मैंने कहा ठीक भाई मैंने मान लिया, कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है ना या कन्वेक्स है, कैसा मिरर है ये, अरे कनकेव मिरर है, कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है। तो बोला जाता है कि पोल इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर, किताबी डेफिनेशन ये कहती है, क्या कहती है कि पोल इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर, मान लीजिए कि मिरर था तो बोला गया कि मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर जो है ना वो क्या होता है, पोल होता है, किताबी डेफिनेशन, सुनो मैं लिख देता हूं यहां पर कि किताबी डेफिनेशन ये है, सर आपकी क्या अलग है क्या, हाँ मेरी अलग है भाई साहब, किताबी डेफिनेशन, ठीक है, किताबी डेफिनेशन क्या कहती है, किताबी डेफिनेशन द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, ठीक है, मिडिल पॉइंट ऑफ द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, ठीक है, द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इज सेड टू बी द पोल, इज सेड टू बी द पोल, ठीक है। मैं तो इस डेफिनेशन को गलत मानता हूं भाई साहब, क्योंकि डेफिनेशन सेट नहीं बैठती सही जगह, ठीक है, बहुत सारी जगह डेफिनेशन सेट नहीं बैठती। अब मेरी डेफिनेशन सुनो, मैं क्या कहता हूं कि पोल क्या है, ध्यान से सुनो, तो भाई ये मिरर है तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये पोल है, मैं इस बात को मानता हूं, मेरी डेफिनेशन भी होती तो भी मैं इसे ही पोल मानता, तो भी मैं इसे ही पोल मानता, परंतु ध्यान से देखो अगर मिरर बेटा हो ही ऐसा तो मैं कहता हूं ये मिरर है, ठीक है, ये उस मिरर का बिल्कुल आधा है, ये उस मिरर का क्या है, बिल्कुल आधा है, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो पोल कहां होना चाहिए भाई, पोल यहां होना चाहिए, पोल यहां होना चाहिए, पर असलियत मायनों में जो पोल है वो यहां पर नहीं है भाई साहब, पोल यही है, पोल कहां है, पोल यही है, अगर मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो ध्यान से देखिए पोल भाई साहब यही है, तो कहां हुआ मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट तो नहीं हुआ, तो सर डेफिनेशन कैसे बैठेगी सर, ये तो सर बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने बोला देख काम की डेफिनेशन सुन, अब क्या सुन, काम की डेफिनेशन सुन, काम की डेफिनेशन सुने जरा ध्यान से देखें कि काम की डेफिनेशन कैसी है। मैंने बोला बेटा कि पोल इज द पॉइंट ऑन द मिरर, बेटा पोल इज द पॉइंट ऑन द मिरर, पॉइंट ऑन द मिरर टेकन बाय अस, भाई साहब हम लेते हैं पोल, हम चूज करते हैं, ठीक है, पोल इज द पॉइंट ऑन द मिरर टेकन बाय अस, टेकन बाय अस सच दैट, सच दैट द मेजरमेंट, सच दैट द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, सच दैट द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस बिकम्स इजियर, बिकम्स इजियर। बेटा
किसी भी मिरर में जो पोल होता है ना, वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट किया जाता है। कैसे ट्रीट किया जाता है? एक रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट किया जाता है, और उस रेफरेंस पॉइंट से आपको सारे डिस्टेंसेस मेजर करने होते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, अरे हाँ ना बोल, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस ऑफ फोकस, सारे कहां से मेजर होते हैं? पोल से मेजर होते हैं। तो अगर आपने उलझल उल जगह अगर पोल मान लिया ना मिरर के ऊपर, मान लो आप यहाँ पोल मान बैठे, यहाँ पोल मान बैठे, यहाँ पोल मान बैठे, अरे घबरा जाओगे, मर जाओगे भाई साहब। डिस्टेंसेस मेजर करना फिर अपने लिए कोई आसान बात नहीं होगी। तो पोल आपने स्मार्टली चूज करना होता है, और यकीन मानो कभी करना भी नहीं पड़ेगा। और डेफिनेशन ऐसी है भाई साहब, है ना, अगर अपने को समझ आएगी, अगर दिल में बैठेगी तब तो मजा आएगा, नहीं तो मजा आने वाला नहीं है। समय के साथ साथ सेट हो जाएगी, वो इस बात की मेरी गारंटी है। क्या बोला मैं? कि द पोल इज द पॉइंट ऑन द मिरर टेकन बाय अस। क्या बोला मैं? कि द पॉइंट ऑन द मिरर टेकन बाय अस फ्रॉम वेयर द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस बिकम इजीयर, है ना, जहां से डिस्टेंसेस को मेजर करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो इस किताबी डेफिनेशन को भाई साहब आज के बाद अपन ने डिस्कार्ड कर देना, जो कि क्या कहती है कि सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर क्या होता है, पोल होता है। हाँ ठीक है, यहाँ बात तेरी मान गया, मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ ले आ जा, यहाँ पर ये डेफिनेशन तो गलत है यार। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात? हाँ, बोर्ड में लिख क्या हो चलेगा, पर बोर्ड में कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं कि पोल ऑफ द डिफाइन पोल ऑफ द मिरर, ऐसा सवाल आने वाला नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात? अब बेटा मैं आपके साथ बात करूंगा अपरेचर की, बात करूंगा सेंटर ऑफ अपरेचर क्या होता है ना, क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ अपरेचर क्या होता है, कर्वेचर और अपरेचर, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, आज देखो मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं एक बार। ठीक है, चलो एक बार इसको नोट करो, फिर चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ लेना स्क्रीनशॉट, देखो ऐसे, हाँ चलो करो, आ जाओ बेटा। अब बात करते हैं अपन लोग अपरेचर की। किसकी बात करते हैं? अपरेचर की। सर ये क्या होता है? आ जाओ देखो सुनो, अपरेचर की बात करते हैं। अपरेचर, ओके, अपरेचर कैसा होता है? अपरेचर देखो सुनो, मैंने बोला कि मान लीजिए ये कांच का गोला था। ठीक है, इस कांच के गोले को अपन ने ऐसे पॉलिश कर दिया। ठीक है, कांच के गोले को अपन ने ऐसे पॉलिश कर दिया बाहर की तरफ से। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, ये क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। इसको मैंने क्या लिखा था? सी ओ सी, याद करो, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ओ सी। मेरी बात समझ आ गई ना? अब क्या करें बेटा, अब इसको यहां से ऐसे काट के ऐसे निकाल दें। अब इसको क्या करें, काट के ऐसे निकाल दें, तो जानते हो ये कैसा बैठेगा, सिर्फ में कैसा होगा? देखो सुनो, मैं बताता हूं, ये ना कुछ ऐसा बनेगा। देखो सुनो, मजा आएगा तुम्हें, देखो अच्छा लगेगा। देखो ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, मजा ही आ जाएगा एकदम। देख, जब इसको काट के निकालोगे ना, ये ऐसा निकलेगा। हाँ ऐसा निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसको अपन थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं यहां से, है ना, ताकि फील आए भाई साहब, मजा आना चाहिए एकदम। डायग्राम भाई साहब, ऑप्टिक्स में डायग्राम का ही खेल है। एक और चीज तुम्हें बता दूं, बार बार कहता हूं, ऑप्टिक्स में जब भी नोट्स बनाओगे कम से कम 3 रंग के पेन का इस्तेमाल करना है भाई साहब। बिना 3 रंग के पेन का इस्तेमाल किए ऑप्टिक्स के नोट्स बनाने नहीं है, फिर जब 1 महीने बाद पढ़ोगे ना तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा भाई साहब, क्या होने वाला है। क्या मेरी बात समझ आ गई? देखिए बाबा जी का टुल्लू जैसा ही है, मजा आया। देख बाबा जी का टुल्लू जैसा ही है, ध्यान से देख, है ना, यहाँ देखो, तो ये आया भाई साहब, ऐसा आया, है ना, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक भाई, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब बेटा ध्यान से देखें, तो पॉलिश कहाँ हो रखी है? पॉलिश हो रखी है बाहर, मतलब यहां पर हो रखी है पॉलिश। ठीक है, यहां पर क्या हो रखी है? पॉलिश हो रखी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, मजा आ गया, अच्छा लगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। मैंने कहा ठीक है भाई, चल रहा है, मजा चलने दो, अच्छा बहुत बढ़िया। अब देखें जरा ध्यान से, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ है? वो तो यहाँ है, है ना, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है? ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये। अच्छा बहुत बढ़िया, तू ध्यान से देख बेटा, तो क्या तुझे ये गोल गोल नजर आ रहा है यहाँ पर? देख ये, देख ये, देखिए गोल गोल नजर आ रहा है बेटा, ये जो गोल गोल है ना यहाँ पर, ये गोल गोल जो है ना आगे, इसको कहते हैं बेटा अपरेचर। क्या कहते हैं बेटा इसे? अपरेचर कहते हैं। अच्छा भाई, तो इसे अपरेचर कहते हैं। अच्छा, और बेटा इसकी ये जो रेडियस देख रहे हो आप, ये रेडियस देख रहे हो, देखो ये है रेडियस ऑफ अपरेचर छोटा आर। ठीक है, ये क्या है? रेडियस ऑफ अपरेचर। क्या है बेटा ये? रेडियस ऑफ अपरेचर है ये। अच्छा भाई, तो इसको कहते हैं रेडियस ऑफ अपरेचर। मैंने कहा हाँ, देखो ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो क्या है? रेडियस ऑफ अपरेचर बेसिकली। और ये क्या है सर? ये जो पीछे पीछे ये बेटा, ये कर्वेचर है। ये क्या है? कर्वेचर। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा अपरेचर और कर्वेचर में क्या फर्क है ना। ये है कर्वेचर, ये है कर्वेचर। तुम बिल्कुल परेशान मत हो यार, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा मैं बिना इसके छोड़ के, यार तुम्हें टेंशन मत लो एकदम। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। अच्छा यहां से देख, तो ध्यान से देख, तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है बेसिकली, सेंटर को मिला रही है ना। देखो ध्यान से देखो, सेंटर को मिला रही है ना सरफेस से, तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। पर ये छोटा आर क्या है? ये है रेडियस ऑफ अपरेचर। ये क्या है? रेडियस ऑफ अपरेचर। जैसे कटोरी होती है ना, कटोरी, तुम कटोरी को ऐसे पकड़ो,
कटोरी नहीं कट, अरे कटोरी में खाना वाना खाते हो नहीं खाते, या फिर हाथ में से सब्जी ऐसे सब्जी डाली सांबर डाला पी गए, ऐसे थोड़ी करते हो यार, कटोरी में डाल के खाते हो ना यार, है ना, ये कटोरी है मान लो, ठीक है तुम कटोरी को ऐसे करो। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देख कटोरी का जो गोला गोला है ये गोला, अच्छा ये गोला है क्या, अपरेचर। ये गोला क्या है बेटा, अपरेचर। ये गोला क्या है, अपरेचर। अच्छा बड़ी कटोरी होगी तो क्या अपरेचर बड़ा हो जाएगा, हाँ। अच्छा बड़ा कटोरा होगी तो क्या अपरेचर, हाँ बात समझ आ गई। अच्छा तो अपरेचर इज समथिंग विच टेल्स मी अबाउट द साइज ऑफ द मिरर, है ना, विच टेल्स मी अबाउट द साइज ऑफ द मिरर। अपरेचर छोटा तो मिरर छोटा, अपरेचर बड़ा तो मिरर बड़ा। अरे हाना तो बोल, और ये पीछे क्या है उसका कटोरी का, ये पीछे क्या है, ये है कर्वेचर। ये क्या है, कर्वेचर। तो कर्वेचर जितना ज्यादा, मतलब कि मिरर उतना ही ज्यादा कर्व्ड, मिरर उतना ही ज्यादा कर्व्ड, और कर्वेचर जितना कम मिरर उतना ही कम कर्व्ड। क्या मेरी बात समझ आ गई, अपरेचर और कर्वेचर में फर्क समझ आ गया। मैं लिख देता हूं यहां पर, टेंशन मत ले बिल्कुल भी, एकदम ध्यान से सुनो। रेडियस ऑफ अपरेचर जितनी ज्यादा मिरर उतना ही बड़ा, खाना बोल, रेडियस ऑफ अपरेचर जितनी ज्यादा मिरर उतना ही बड़ा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ज्यादा मिरर उतना ही ज्यादा कर्व्ड। क्या मेरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ज्यादा मिरर उतना ही कम कर्व्ड बेसिकली, है ना, हाना बोल दे, बात समझ आई है कि नहीं आई है। ध्यान से देखो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, बता देता हूँ ये बातें अच्छे ढंग से, कोई परेशानी नहीं, नोट बनाने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ध्यान से देखो मैं क्या बोला, मैं बोला कि अपरेचर टेल्स अस अबाउट हाउ मच बिग अ मिरर इज, हाउ मच बिग अ मिरर इज। अपरेचर हमें ये बताता है कि कोई मिरर कितना बड़ा है, कि कोई मिरर कितना बड़ा या कितना छोटा है। और कर्वेचर मुझे क्या बताता है, कर्वेचर टेल्स अस अबाउट हाउ मच कर्व्ड अ मिरर इज। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी अच्छे से, है ना, कोई परेशानी तो नहीं है। अपरेचर क्या बताता है कि कोई मिरर कितना बड़ा या कितना छोटा है, कि कोई मिरर कितना बड़ा या कितना छोटा है। और कर्वेचर मुझे क्या बताता है कि कोई मिरर कितना ज्यादा या कितना कम कर्व्ड है। क्या मेरी बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम, सोच ले क्योंकि अब चर्चा थोड़ी 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 टफ होती चली जाएगी। बात समझ आ गई है ना, चलो एक बार इसको नोट करो बहुत बड़े ढंग से, फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। चलो आ जाओ बेटा, अब क्या करते हैं ना, अब अपनी चर्चा को हम लोग एक नया मोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत जबरदस्त बातें मैं आपके साथ करने वाला हूं जो दिखने में बहुत बेसिक हैं पर भाई साहब बहुत पावरफुल हैं अगर आप उन्हें वैसे ही सीख लो जैसे वो मुझे आती हैं, ठीक है। बहुत बेसिक बातें बताऊंगा, कुछ नई बातें नहीं बताऊंगा, पर वो बातें इतनी ज्यादा पावरफुल हैं। कब हो जाएंगी वो पावरफुल, जब तुमने वैसा सीख लो जैसा मुझे आता है। कैसा आता है, ध्यान से सुनो। तो बेटा अब मैं आपके साथ बात करने वाला हूं इमेज फॉर्मेशन की। इसकी बात करने वाला हूं, इमेज फॉर्मेशन की बात करने वाला हूं। अच्छा भाई, तो हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन कोई ऐसा कोई खास बात नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक तुम्हें बातें बताऊंगा और कुछ रटवाऊंगा नहीं, मेरी गारंटी इस चीज की, कुछ भी नहीं रटवाऊंगा मैं। बात समझ आ गई मेरी, पक्की बात एकदम। अच्छा सर ठीक है बहुत बढ़िया, तो इमेज फॉर्मेशन करेंगे, स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं तो स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं। चलो मैंने कनकेव मिरर ले लिया, तुम चाहते तो कन्वेक्स मिरर भी ले सकते हैं, उससे कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने कहा लो भाई अभी कनकेव बना है, है ना, पहले कुछ भी नहीं था ये, अगर यहाँ पॉलिश कर देता तो कन्वेक्स बन जाता, है ना। तो मैंने बोला कि चलो मान लो ये है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है सर, वो तो आपने बताया नहीं बेटा। इस पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ऐसे मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्या बात हो गई। अच्छा बहुत बढ़िया, ध्यान सुने। तो ये हो गया अपना पोल और ये हो गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं बहुत बढ़िया। अच्छा सुने जरा ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। मैंने कहा लो भाई ये अपना हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा अगर कोई भी रे जो मिरर के ऊपर पड़ने वाली है, ऐसी कोई भी रे जो मिरर के ऊपर पड़ने वाली है, क्या होगा उसका मिरर के ऊपर पड़ने के बाद क्या होगा? अरे रिफ्लेक्शन होगा। मिरर के ऊपर पड़ी है तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। देखो ये तीन बातें मैं तुमको बताने वाला हूं। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हाँ हमें पता है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पर जो लॉ मैं तुझे बताऊं उसको याद रख भाई सब, जैसा मैं बताऊं वैसा याद रखना है। कैसा याद रखना है कि भाई जो भी रे
मिरर के ऊपर पड़ने वाली है उसका रिफ्लेक्शन होगा। सर्वा सर्वा बड़ी नई बात बताई सर आपने, जो याद रख ले हम। अरे सुन तो सही तू, जो भी रे मिरर के ऊपर पड़ने वाली है उसको क्या होने वाला है? रिफ्लेक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है? रिफ्लेक्शन होने वाला है। और रिफ्लेक्शन के लिए तीन चीजें चाहिए। रिफ्लेक्शन के लिए कितनी चीजें चाहिए भाई साहब? तीन चीजें चाहिए। कौन सी तीन चीजें चाहिए? देखो सुनो जरा ध्यान से। मैंने बोला अगर आप रिफ्लेक्शन को बहुत बढ़िया ढंग से स्टडी करना चाहते हैं तो आपको तीन चीजें चाहिए। पहली चीजें हो जाएगी कौन सी? इंसिडेंट रे। सर इंसिडेंट रे तो हो ही जाएगी ना सर, उसमें क्या है? इंसिडेंट रे। और दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो होती है नॉर्मल। वो क्या होती है? नॉर्मल। और तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो होती है रिफ्लेक्टेड रे। वो होती है रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर आप इन तीनों चीजों को बहुत बढ़िया ढंग से गहन भाई साहब एनालिसिस करके अगर समझ पाते हो तो फिर आपको भाई साहब कोई भी रेड अगर मनाने मेरी गारंटी भाई साहब दिक्कत होगी पक्की बात एकदम। सोच ले अच्छा, तो भाई मिरर के ऊपर आकर रे गिरी, मैंने कहा ठीक है क्या होगा इसका? सर रिफ्लेक्शन होगा, नॉर्मल सी बात है। अच्छा रिफ्लेक्शन के लिए कितनी चीजें चाहिए? सर तीन चीजें चाहिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। पहली चीज इंसिडेंट रे, हाँ दिख गई सर पहली चीज दिख गई। दूसरी नॉर्मल। सर हाँ नॉर्मल तो सर नहीं है, तो नॉर्मल बनानी पड़ेगी भाई साहब, पहले नॉर्मल बनानी पड़ेगी। सर ये तो सर स्फेरिकल सरफेस है, सर नॉर्मल कैसे बनाए? तो मैं बता चुका हूं मैं बेटा कि अगर प्लेन सरफेस हो तो उस पर बस एक परपेंडिकुलर खड़ा कर दो, वही नॉर्मल होती है। वही क्या होती है? नॉर्मल होती है। अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा सरफेस हो तो क्या करें सर नॉर्मल बनाने के लिए? बेटा जिस भी पॉइंट पर आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं उस टेढ़े मेढ़े सरफेस पर, जिस भी पॉइंट पर इस टेढ़े मेढ़े ये टेढ़े मेढ़े सरफेस के ऊपर जहां पर भी आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं पहले वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें। पहले क्या ड्रॉ करें? टेंजेंट ड्रॉ करें, उस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींच दें तो वो उस जगह पर नॉर्मल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। और तीसरा केस होता है स्फीयर का। तीसरा केस किसका होता है? स्फेरिकल सरफेस का। सर स्फेरिकल सरफेस पर कैसे नॉर्मल बनाए? मैंने कहा बेटा बिल्कुल भी टेंशन मत ले, तू ऐसी लाइन खींच दे जो सेंटर से पास होती हो, जो स्फीयर के सेंटर से पास होती हो, वे सारी की सारी लाइन क्या कहलाएंगी? सरफेस पर नॉर्मल कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सरफेस पर नॉर्मल कहलाएंगी। भाई साहब इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल लो आ जाओ सुन लो, देखो जरा ध्यान से, यहां पर तुमको मैं बना के बता देता हूं। मान लो अगर ये स्फेरिकल सरफेस होता, अगर ये स्फेरिकल सरफेस होता तो भाई साहब अब क्या करें? ऐसी लाइन खींचे जो इसके सेंटर से पास होती हो, ऐसी लाइनें खींचे जो इसके सेंटर से पास होती हो, ये सारी की सारी लाइनें इसके सरफेस पर आप देखें नॉर्मल है। देखो नॉर्मल है ना, देखो नॉर्मल है कि नहीं? देखो नॉर्मल है ना, देखो नॉर्मल है कि नहीं? देखो नॉर्मल है ना, देखो नॉर्मल है कि नहीं? देखो नॉर्मल है ना, देखो नॉर्मल है कि नहीं? देखो सारी की सारी नॉर्मल है यार। बहुत बढ़िया भाई नॉर्मल। सर मेरे को आज के बाद सर नॉर्मल बनानी आ गई सर। पहली चीज इंसिडेंट रे दिखाई दे गई, दूसरी चीज नॉर्मल। नॉर्मल बनानी पड़ेगी भाई साहब, झट मार के बनानी पड़ेगी, नहीं तो रिफ्लेक्शन करवा नहीं सकता है तू। अच्छा तो सर यहाँ पर नॉर्मल कैसे बनाऊ? मैंने बोला बेटा जिस भी पॉइंट पर आप रिफ्लेक्शन करवाना चाहते हैं उस पॉइंट से और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली एक लाइन ऐसे खींच दें। क्या कर दें? एक लाइन ऐसे आप खींच दें। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, देखो मैं बहुत बढ़िया लाइन नहीं खींच पाया हूं शायद, बट कोई बात नहीं, चलो काम चल जाएगा अपना। ये जो लाइन है ना, ये लाइन कहलाती है नॉर्मल। क्या कहलाती है? ये नॉर्मल कहलाती है। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। और बेटा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तीसरी चीज क्या चाहिए? रिफ्लेक्टेड रे। अब इसके लिए अपन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करेंगे कि जितने एंगल पर रे आएगी उतने ही एंगल पर वापस भी चली जाएगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब। अब ध्यान से देखो तो रे ऐसे आई और भाई साहब जितने एंगल पर आई उतने ही एंगल पर वापस भी चली गई, उतने ही एंगल पर वापस भी चली गई। बहुत बढ़िया। तो जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर वापस भी चली गई, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई नॉर्मल और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। भाई साहब ऑप्टिक्स में कोई भी डायग्राम बना ले एक्स वाई जेड, तुझे ये करना है हर बार। अगर तुझे ये करना आ गया इसका मतलब तूने जंग जीत ली, ऑप्टिक्स तुझे आती है। हाँ थोड़ा फॉर्मूला का खेल होगा वो मैं सिखाऊंगा, मेरी गारंटी भाई साहब, मेरी पूरी गारंटी। पर अगर आपको ये खेल करना आ गया ना मतलब आपने जंग जीत ली, पक्की बात एकदम। सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं तेरे मन के अंदर, एकदम सोच ले ढंग से। अच्छा मेरी बात सुनो जरा ध्यान से देखो, अब मैं तुम्हें आगे की चर्चा कराता हूँ जो मैं तुमको कराना चाहता था, है ना बेटा। मैं अब आपको बताना चाहता हूँ पैराएक्सियल रेस के बारे में। किस बारे में बताना चाहता हूँ? पैराएक्सियल रेस के बारे में। किस बारे में? पैराएक्सियल रेस। सर ये क्या होती है? ये क्या होती है? मैंने कहा देख बेटा सुन, कई सारी डेफिनेशन होती है, उन सारी डेफिनेशन का मतलब एक ही होता है पर कई तरह से उसे डिफाइन करा जाता है। पहली डेफिनेशन क्या है सुन, पहली डेफिनेशन ये है, क्या है कि द रेज फॉलिंग ऑन द मिरर पैरेलल टू
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल नहीं बोलना चाहिए क्योंकि पैरेलल जरूरी नहीं होगा या नहीं होगा हमेशा, पर मुझे ऐसा बोलना चाहिए फॉलिंग ऑन द मिरर नियरर टू, नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास अगर कोई रे आकर मिरर के ऊपर गिरे तो ऐसी रे को बोला जाएगा पैराएक्सियल रे। वो पैरेलल हो भी सकती है और पैरेलल नहीं भी हो सकती, इस बात से अपना कोई लेना देना नहीं, ठीक है। पैराएक्सियल रे की पहली डेफिनेशन क्या डेफिनेशन हुई कि ऐसी रे जो कि मिरर के ऊपर आकर गिरे और प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हो, वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के किसी बेटा बहुत पास हो, ऐसी रे को बोला जाएगा पैराएक्सियल रे, है ना। अगर ये रे ऊपर ना होकर बहुत पास अगर मैं बना देता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसी रे क्या है, पैराएक्सियल रे है। कैसी रे है, पैराएक्सियल रे है। इसी चीज की दूसरी डेफिनेशन सुनो, दूसरी डेफिनेशन सुनो क्या, द रेज विच मेक्स स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, विच मेक्स स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसी रे जिनसे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बने वो बहुत छोटा बने। सर ये क्या बात कही, देख मैं बताता हूं, देख ध्यान सुन, ध्यान सुन। मैंने बोला मान ले ये कोई रे है और जाकर मिरर के ऊपर टकराई, जाकर मिरर के ऊपर टकराई, क्या होगा इसका, रिफ्लेक्शन होगा। सर अभी आपने बताया रिफ्लेक्शन के लिए कितनी चीजें चाहिए, सर तीन चीजें चाहिए, पहली इंसिडेंट रे दिखाई दे रही है, दूसरी नॉर्मल नहीं दिख रही तो बनाना पड़ेगा। आ जाओ देखो बनाते हैं भाई, जिस भी पॉइंट पर आपने रिफ्लेक्शन करवाना हो वहां से और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती हुई एक लाइन ऐसे खींच दें, एक लाइन ऐसे खींच दें, ये लाइन देखो ध्यान से देखो लाइन, यार क्या बात है सीधी नहीं बन रही भाई साहब, नहीं तो मेरे हाथ से डायग्राम ऐसे बनते हैं। आ जाओ सुनो, चलो हो गया काम, अब ध्यान से देख, तू ध्यान से देख, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना छोटा बना, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अच्छा सर आपके वेरी स्मॉल का सर क्राइटेरिया क्या है, मैंने बोला सर 1 डिग्री से और 4 डिग्री तक, ठीक है, 1 डिग्री से और 4 डिग्री तक का जो एंगल लिया जाएगा वो स्मॉल लिया जाएगा, मेरी नजर में वो स्मॉल है, मेरी नजर में क्या भाई साहब मैथमेटिक्स है, 1 डिग्री से और 4 डिग्री तक का एंगल कैसा है बेटा, स्मॉल एंगल है भाई साहब, कोई टेंशन नहीं उसके अंदर, है ना, ध्यान से देख। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पैरेलल गिरी है तो ध्यान से देख उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा बनाया है कि नहीं, और ये रे कितना बड़ा एंगल था, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर थी उसने बाय डिफॉल्ट बड़ा एंगल बनाया था यार, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है उसने कितना छोटा एंगल बनाया है, तो डेफिनेशन तो दोनों एक ही है ना यार, कहने का मतलब तो दोनों का एक ही है ना, दूर गिरेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बड़ा बनेगा और पास गिरेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बहुत छोटा बनेगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक डेफिनेशन और है वो सुन, देख ध्यान से देख, मैंने बोला क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, मैंने ऐसे बोला, थर्ड डेफिनेशन, द रेज फॉलिंग ऑन द मिरर, ऑन द मिरर ऑफ स्मॉल अपरेचर, स्मॉल अपरेचर, समझे तुम क्या बोला मैं, अगर अपरेचर बहुत छोटा है तो मिरर होगा ही बहुत छोटा, और अगर मिरर होगा ही बहुत छोटा तो रे भाई साहब बाय डिफॉल्ट इसके पास ही गिरेंगी, और पास ही गिरेंगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भाई साहब ना के बराबर बनेगा, अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस ना के बराबर बनेगा। तो तीनों डेफिनेशन में चाहे शब्द अलग अलग हैं पर मतलब तो तीनों का एक ही है, अरे मतलब तो तीनों का एक ही है, ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास गिरे हैं। सर आपने तो सर सारी पैरेलल बनाई तो पैरेलल लिख का ही नहीं देते हो, अरे पैरेलल हो भी सकती है और नहीं भी, आगे देख तू मैं ऐसे तेरे को क्या बोलते हैं ऐसी रे बनाऊंगा जो पैरेलल नहीं होगी पर फिर भी वो पैराएक्सियल होगी, है ना। तो इसलिए मैंने पैराएक्सियल में पैरेलल का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, नियरर का इस्तेमाल किया भाई साहब, किसका इस्तेमाल किया है, मिरर का इस्तेमाल किया है बहुत बड़े ढंग से, ठीक है। तो ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास गिरती है भाई साहब, ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास गिरती है उसे बोला गया भाई साहब पैराएक्सियल रे, क्या बोला गया पैराएक्सियल रे। दूसरी डेफिनेशन क्या बोली गई कि ऐसी रे जो स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस बनावे, देखो बना रही है, है ना, दूर होती तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा बनता, पास ऐसी रे क्या बना है छोटा बना है, इसे बोला गया पैराएक्सियल रे। और तीसरी डेफिनेशन क्या बोली गई कि भाई साहब एंगल ऑफ जो क्या बोलते हैं अपर्चर जो है ना, अपरेचर ही बहुत छोटा हो, अपरेचर छोटा है तो मिरर को मतलब रे को मिरर में गिरना ही पड़ेगा यार, पास ही गिरना पड़ेगा, नहीं तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, ऊपर से गिर गई तो चली जाएगी, रिफ्लेक्शन तो होगा ही, फिर अपने लिए अब क्या घंटा फर्क पड़ता है अपने को, कैसी हो फिर वो, अरे यार अपने को तो मिरर से रिफ्लेक्शन करवाना है ना यार, तो अपने को तो पास ही गिरानी पड़ेगी, और पास गिरा होगी तो अपने आप पैराएक्सियल हो गई यार, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई होप तुम मेरी बात समझ आ गई होगी यार, सोच लो। अच्छा सर जो रे पैराएक्सियल ना हो फिर वो रे क्या है, वो रे है मार्जिनल रे, क्या है मार्जिनल रे, देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, the ray which is not paraxial is marginal, the ray which is not paraxial, which is
नॉट पैरा एक्सियल इज मार्जिनल, मार्जिनल ओके, मार्जिनल रे। अब डेफिनेशन पूछ ले तो मार्जिनल रे की, ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर गिरे, जैसे कि ये रे है ना, जैसे कि ये रे, ये मार्जिनल ही है, ये क्या है मार्जिनल ही है, मार्जिनल ओके, मार्जिनल ओके, मार्जिनल रे है ना। चलो स्पेलिंग स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, तुम कोई फर्क नहीं पड़ता साइंस और फिजिक्स में, क्या घंटा फर्क पड़ता है उससे, कुछ नहीं होता। देखो सुनो, तो ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर गिरती है उसे मार्जिनल रे कहते हैं, या फिर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा बनावे उसको क्या कहते हैं भाई साहब, मार्जिनल रे कहते हैं, या जो बड़े अपर्चर के ऊपर आकर गिरे उसे मार्जिनल रे कहते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, खाना बोल दो यार, क्योंकि अब चर्चा थोड़ी सी जरा अलग होने वाली है। ऐसी चीजें हैं जो आप गलत पढ़ के आ रखे हो, अब मैं देखो बताऊंगा उन्हें सही कैसा होता है। तुम लोग बोला कि यार वाह क्या मजा आया भाई साहब, कि तो मैं गलत पढ़ के आया था आज तक। अरे खाना बोल दे, पक्की बात है ना, एकदम सोच ले, चलो आ जाओ। तो फिर इसको नोट करो एक बार बड़े ढंग से, स्क्रीनशॉट लेना मेरे साथ लेना अच्छे से, ठीक है, ऐसा मजा तो आया कम से कम। चलो स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं, आ जाओ बेटा। देखो सुनो, तो अब हम लोग बात करते हैं फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर के बारे में। किस बारे में बात करते हैं, फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अरे सुनो देखो, बहुत बढ़िया भाई, फोकस क्या होता है देखो, अब मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो तुम लोग पहले गलत पढ़ के आ रखे हो, अब सही पढ़ते हैं उसे। देखो सुनो, तो फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ओके, फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ओके, आ जाओ सुनो सन्नाटो, देखो सही लिखा है ना मैंने, क्या फर्क पड़ता है, तुम समझ गए ना, बस बात खत्म है ना। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे ना देखो, यहाँ यहाँ तुम्हें ना एक लाल रंग का है ना क्यूट सा बटन नजर आ रहा होगा है ना, उसके ऊपर कुछ लिखा भी होगा, मुझे नहीं पता, देखो कुछ भी लिखा उसके ऊपर, मुझे नहीं पता कैसा है क्या है उसके ऊपर, भाई साहब चप्पल मारो, जूता मारो, फेंके घूसा मारो, मुझे नहीं पता, थप्पड़ मारो उसके, और भाई साहब वो हिट हो जाना चाहिए यार, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार, हो जाएगा ना। आ जाओ देखो सुनो, अब बात करते हैं, तो फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं यार, है ना। मैंने बोला मान लो भैया ये स्फेरिकल मिरर है, अब मैंने बच्चे से देखो कुछ सवाल पूछे, क्या सवाल पूछे मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने ऐसे एक मिरर बनाया, मैंने क्या बनाया, कैसे मिरर बनाया, और भाई साहब ये मैंने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये मैंने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया पोल, ये हो गया पोल, और यहां कहीं मान लो मैंने बनाया, मान लो यहां कहीं बनाया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये और दूर बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, आ जाओ लो भाई। तो मैंने बोला कि यहां कहीं अपना है मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब मैंने बच्चे को एक सवाल पूछा, बच्चा बोला हाँ सर पूछो सर, बता दूंगा मैं सर, अच्छा बच्चा हूँ सर। मैंने कहा सुन दे, मैंने बोला बेटा एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आकर मिरर के ऊपर पड़ी, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आकर मिरर के ऊपर पड़ी। मैंने बोला बेटा बता इसका क्या होगा, बोला सर रिफ्लेक्शन होगा और नीचे फोकस पर काटेगी। बच्चा एक लाइन में बोल गया भाई साहब कि सर रिफ्लेक्शन होगा और इसका ऐसे नीचे फोकस पर काटेगी। मैंने कहा ना, बच्चा बोला सर क्या बात कर रहे हो सर, ये तो पढ़ के आया सर मैं कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो फोकस पर काटती है, वो कहाँ काटती है, फोकस पर काटती है। मैंने कहा ऐसा कोई जरूरी नहीं, बोला सर कैसी बात कर रहे हो सर, पूरी दसवीं में सर हमको ये पढ़ाया सर, सवाल करे सर हमने, न्यूमेरिकल करे बोर्ड में पूछा कि फोकस इज इक्वल टू आर बाय टू फलाना ढिंका ना, सर हम इतने परेशान रहे सर, आप बोल रहे हो सर ऐसा नहीं होता। मैंने कहा देख सुन, ज्ञान है तुझे पर अधूरा ज्ञान है, पूरा करते हैं उसे, आ जाओ सुनो देखो। तो मैंने बच्चे को फिर से पूछा, मैंने कहा बेटा बता रे गिरी क्या होगा, बोला सर रिफ्लेक्शन। मैंने कहा रुक अब देख ध्यान सुन, देख रिफ्लेक्शन के लिए कितनी चीजें चाहिए, बोला सर अभी अभी आपने बताया इंसिडेंट रे, फिर नॉर्मल, फिर रिफ्लेक्टेड रे। मैंने कहा नॉर्मल दिख रही है तुझे, बोला नहीं दिख रही। मैंने कहा बना दे, बोला बना दो। तो देखो सुनो आ जाओ, हमने नॉर्मल बनाई, तो लो भाई ये हो गई नॉर्मल, ठीक है, ये क्या हो गई भैया नॉर्मल हो गई, ठीक है। अरे यार रे सही से बनाते हैं यार आज, पता नहीं क्या हो रहा है, हाथ सही नहीं बैठ रहा यार आज, या तो बहुत दिन हो गए ना ये डायग्राम बनाए हुए शायद इसीलिए। आ जाओ देखो सुनो, लो भैया है ना काम चल जाएगा इससे अपना, इससे अपना काम चल जाएगा, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली स्ट्रोक नहीं मार रहा ना इसीलिए ऐसा हो रहा है, कोई नहीं मैं आप कॉन्फिडेंटली मारूंगा ऐसे क्या है। हाँ देखो, तो ये हो गई अपनी नॉर्मल, ठीक है, ये हो गई अपनी नॉर्मल, और ऐसे जितना एंगल बनाकर ये रे आई उतना एंगल बनाकर ये वापस भी चली जाएगी। मैंने बोला देख बेटा यहां पर काटी, बोला हाँ सर देखो ये जो कह रहा था मैं सर, ये फोकस होता है देखो सर, इसके बिल्कुल बीच में है सर ये, वो बच्चे एक सांस में बहुत कुछ बोले, अरे रुक यार क्यों ज्यादा साना बन रहा है तू, मेरी बात तो सुन। बोला अच्छा, बोले बताओ फिर। मैंने कहा देख ध्यान सुन, तो जितने एंगल पर आकर रे गई, जितने एंगल पर रे आई उतने ही एंगल पर ये वापस भी चली जाएगी। बच्चा बोला हाँ सर सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, सुन मेरी बात। मैंने कहा देख बेटा ये जो येलो लाइन है ये देखो सरफेस को, ये जो येलो लाइन है ना ये सरफेस को और सेंटर से मिला रही है ना, ये जो येलो लाइन है ये नॉर्मल है। बच्चा बोला हाँ सर नॉर्मल है। मैंने बोला देख सरफेस को सेंटर से मिला रही है तो क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बोला हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है रेडियस ऑफ कर्वेचर है मान लो कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, तो यहां से लेकर और यहां तक की दूरी r है बच्चा मान गया, और यहां से लेकर यहां तक की भी दूरी जो r है वो भी बच्चे को पता है कि भाई पोल से लेकर और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी r होती है,
बच्चे को इस बात का पूरा ज्ञान है। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, अभी बताया दो यार थोड़ी देर पहले। बोला सर यही तो होता है सर फोकस, ये आधे में जो होता है फोकस होता है ये, और आर बाय टू होती है। मैंने कहा अभी रुक जा, ध्यान सुनो मेरी बात, अब सुनो ध्यान से देखा, अगर ये थीटा है तो क्या बेटा ये भी थीटा है क्या? बच्चा बोला हाँ सर अल्टरनेट एंगल है, दिख रहे हैं थीटा है, आप सही कह रहे हो बिल्कुल, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। मैंने कहा देख अब देख थोड़ा सा ज्योमेट्री के साथ खेला खेला करते हैं, देखो क्या खेला खेला करते हैं। मैंने बोला बेटा जहां पर ये काटी है ना आके, जहां पर ये जो आके काटी है ना, इसको चलो मैं बोलता हूं कि यहां से ना इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो भाई साहब परपेंडिकुलर कहीं तो यहां कहीं बैठेगा है ना, ये बैठेगा परपेंडिकुलर है ना, देखो ये रहा वो परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर मैंने डाला है ना वो ये है। बच्चा बोला हाँ तो क्या हुआ इससे? मैंने कहा मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख, सुनो इस पॉइंट को तो सी बोल दिया ना, इसको पी बोल रखा है, मैं कहता हूँ इसको कुछ भी ए बोल दो, इसको कुछ भी बी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, इसको कुछ भी सी बोल, सी तो बोल दिया ना, इसको क्या बोल दो कुछ भी डी बोल दो, क्या बोल दो डी बोल दो। बच्चा बोला हाँ सर ठीक है, अभी तक आप सही कह रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला आप देख, आप ध्यान सुन, देख मैं किस किस ट्राइंगल की बात करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ये एंड ट्राइंगल सी डी बी, क्या मेरी बात समझ आ गई, कौन सी ट्राइंगल ये और ये। बच्चा बोला हाँ सर दिख गई मेरे को दो ट्राइंगल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी तक सही है। मैंने बोला देख ध्यान से देख इन दो ट्राइंगल में तुझे एक चीज दिखाता हूं। बच्चा बोला दिखाओ सर। मैंने बोला देख बेटा ध्यान से देख कि जो एंगल डी ए बी है ना, जो डी ए बी है ना वो किसके बराबर है? मैंने बोला डी सी बी के बराबर है, किसके बराबर है डी सी बी के बराबर है, किसके बराबर है डी सी बी के बराबर है। बोला हाँ सर दिख रहा है दोनों थीटा है, तो आपने क्या नई बात बताई? मैंने कहा ले सुन थीटा। बोला बहुत बढ़िया। फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा बेटा तू ध्यान से देख, तू ध्यान से देख के एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए किसके बराबर है? मैंने बोला एंगल बी डी और सी के बराबर है, जो कि दोनों 90। बोला हाँ सर ये बात भी सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैंने बोला कि बेटा इन दोनों ही ट्राइंगल में जो साइड बीडी है ना, जो साइड बीडी है ना वो बेटा कॉमन है, क्या है वो कॉमन है। बोलो सर ये तीन प्रॉपर्टी तो सर मुझे पता है, अगर ये हो जाए तो दोनों ट्राइंगल सर कुछ हो जाती है। मैंने बोला क्या हो जाती है? बोला कॉन्ग्रेंट हो जाती है। अरे क्या हो जाती है? कॉन्ग्रेंट हो जाती है। दैट मीन्स कि जो ट्राइंगल ए बी डी है एंड ट्राइंगल सी डी बी जो है, दे आर कॉन्ग्रेंट। अच्छा तो सर आपने कॉन्ग्रेंट सिद्ध करके सर आपने क्या ले लिया ऐसा? मैंने कहा देख सुन, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइड सी डी इज इक्वल टू साइड डी ए? बोला हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अगर कॉन्ग्रेंट हो तो साइड ऐसे बराबर हो जाती है सर, बिल्कुल सही है। तो मैंने बोला देख ध्यान से, तू देख ध्यान से, पूरी लेंथ है आर भाई, यहां से लेकर और यहां तक की जो पूरी लेंथ है वो आर है। बोला मैंने देख तेरे को बताया था ना? बच्चा बोला हाँ सर भी बताया था आपने, और भाई साहब ये दोनों बराबर हैं। तो ये जो इतनी लेंथ हो गई यहां से लेकर और यहां तक, सारे चौक आज ही टूटेंगे, ये जो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ हो गई क्या ये आर बाय टू हो गई? बोला हाँ सर ये तो आर बाय टू हो गई। मैंने बोला देख मजा आया? बोला हाँ सर, पर अभी भी सर मैं तो कह रहा हूँ यही फोकस है, आर बाय टू है। मैंने कहा सुन मेरी बात, ध्यान सुन, देख तो देख ये लेंथ क्या है, आर बाय टू है। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। अब बेटा तू ध्यान से देख, तो ट्राइंगल क्या है, सी और डी और बी है ना, ट्राइंगल क्या है सी और डी और बी। मैंने बोला हाँ ठीक है सी डी बी, हाँ ठीक है चल रहा है मामला। अच्छा तो इस सी डी बी में जो कि एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल है, अरे हाँ तो बोल राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें तुम ध्यान से देखो तो बेटा ये जो डी ए है ना, डीसी है, जो डीसी ये डीसी है बेस है ना, बोल यार ये डीसी क्या है बेस है, और ये सीबी क्या है, ये सीबी है हाइपोटन्यूस, ये क्या है हाइपोटन्यूस, दोनों में रिलेशन होता है कॉस का। तो भाई साहब अगर तू सीबी निकालेगा ना सीबी, तो सीबी कितना आएगा, सीबी आएगा आर बाय टू सीकेंट थीटा, आर बाय टू सीकेंट थीटा, अरे बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस बाय कॉस थीटा, तो 1 बाय कॉस इक्वल टू सीकेंट थीटा, सन्नाटा। अच्छा अब ध्यान से देख तो ये पूरी लेंथ है आर, ये पूरी लेंथ है आर, और उसमें से इतना है आर बाय टू सीकेंट थीटा, उसमें से इतना है आर बाय टू सीकेंट थीटा। तो भाई साहब जिसे तू फोकस कह रहा था ना,
जिसे तू फोकस कह रहे थे ना, फोकस फोकस बोल रहा था, फोकस भाई साहब जो फोकस है ना तेरा, फोकस ये फोकस इतना है, तो ध्यान से देख, मैं तो उसको एक्स बोलता हूँ, मैं फोकस बोलता ही नहीं हूँ, मैं क्या बोलता हूँ इसको, मैं तो उसको एक्स बोल देता हूँ, एक्स। तो ये एक्स आया ना, एक्स ये आया, देख ध्यान सुन, आर माइनस आर वाई टू सीकेंट थीटा। अरे हाँ ना बोल, ध्यान से देख, एक्स इज इक्वल टू आर माइनस आर बाई टू सेकेंड थीटा। सर ये सर आपने सर कुछ चीटिंग करी है सर, हम आज तक पढ़ते हैं सर, ये आर बाई टू होता है सर, आप बोल रहे हो आर माइनस आर बाई टू सेकेंड थीटा, ऐसे कैसे सर? मैंने सुन तो सही, तुम्हें मेरी बात तो सुन यार, तो जल्दबाजी बहुत ज्यादा है यार। सर आपने सर बहुत गलत किया सर, जो पैरेलल आती है सर वो फोकस से जाती है सर, वो फोकस आर बाई टू होता है सर, आप गलत गलत पढ़ा रही हो सर। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा, ध्यान सुन, तू मेरी बात सुन। बोला हाँ सर बताओ सर, देखो सर जरा ध्यान से देख, तो ये जो एक्स है ना, ये एक्स क्या आया देखो सुनो, मैं इसको यहां निकाल के रख लेता हूँ, एक ध्यान सुन, तो जो एक्स आया ना, एक्स एक्स आया आर माइनस आर बाय टू सेकेंड थीटा। अब बच्चा तो भाई साहब मान नहीं रहा, बच्चा बोल रहा है सर ये आर बाय टू ही आता है सर, आपने पक्का गलत पढ़ा है सर, ये आप ऐसा हो ही नहीं सकता है सर, हम सर आज तक दसवीं साला पूरा पढ़ के आए हम लोग, हमने बोर्ड में सारा न्यूमेरिकल कर दिया और हमारा न्यूमेरिकल एकदम सही था, मेरे नंबर भी आए थे, तो क्या वो सारे लोग क्या गलत है? आप अकेले बड़े साने बन रहे हो, साला आपका सही है बाकी लोग गलत बता रहे हैं। मैंने कहा सुन ले यार मेरी बात तो सुन ले, मैंने कहा चल तू आर बाय टू चाहता है ना इसको। बोला सर मुझे नहीं पता, मुझे तो बस ये एक्स आर बाय टू ही चाहिए सर, फोकस आर बाय टू ही होता है, तो मुझे तो बस ये आर बाय टू ही चाहिए। मैंने कहा रुक जा आर बाय टू बना देता हूँ, कहे परेशान हो रहा रे। बोला सर हाँ बनाओ सर, अब बनाओ। अच्छा तो मैं क्या चाहता हूँ, ध्यान सुन देख, मैंने क्या बोला, मैंने बच्चे को बोला देख सुन आर बाई टू बना देता हूँ, पर देख आर बाई टू कब बनेगा ये ध्यान से देख। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये रे अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास गिरती थे, कैसे ऐसे गिरती, तो क्या थीटा बहुत छोटा हो जाता क्या? अरे भी बताया था तुम्हें यार पैराक्सिल रे, अरे यार बताया था ना कि अगर ये रे अगर ये बहुत पास गिरे ऐसे गिरे ऐसे गिरे तो क्या थीटा बहुत छोटा बनेगा क्या? हाँ थीटा बहुत छोटा बनेगा, और थीटा बहुत छोटा बनेगा तो सेकंड थीटा कितना हो जाएगा? वन। कितना हो जाएगा? वन। तुम्हें आता है कि नहीं आता है सब? देखो मैं फटाफट से बता के नक्की करता हूं ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना आए। बेटा सुनो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होती है ना, मैं तुम्हें बताता हूं, और देख रटवाऊंगा नहीं, तेरे दिमाग में सेट कर दूंगा। मुझे एक बात बता कि जीरो डिग्री का जो एंगल होता है क्या वो बड़ा एंगल होता है कि छोटा एंगल होता है जीरो डिग्री? सर एंगल ही नहीं होता वो तो। अरे जीरो डिग्री मतलब छोटा एंगल ना, जीरो डिग्री मतलब छोटा एंगल। अच्छा जीरो डिग्री मतलब छोटा एंगल। हाँ मुझे एक बात बताओ, साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो, साइन जीरो होता है जीरो, साइन जीरो होता है जीरो। अच्छा कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो, कॉस जीरो होता है वन, कॉस जीरो होता है वन। अच्छा टेन जीरो कितना होता है? टेन जीरो भी होता है जीरो, टेन जीरो भी होता है जीरो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो अगर अगर थीटा इज वेरी छोटा, देख ध्यान से देख, थीटा इज वेरी छोटा, तो ध्यान से देख साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज वेरी छोटा है ना, अरे जीरो इज वेरी छोटा एंगल, तो साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, एंड टेन जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इफ थीटा इज वेरी छोटा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, एंड टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। अरे यार हाँ ना तो बोल, है ना। सो इफ थीटा इज वेरी छोटा, इफ थीटा इज वेरी छोटा, इफ थीटा इज वेरी छोटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बोलो वन, और टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो अगर थीटा बहुत छोटा हुआ, अगर ये रे बहुत पास गिरी तो थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, और थीटा अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो कॉस थीटा तो वन होता है, तो सीकेंट थीटा भी क्या हो जाएगा? अरे वन हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आना बोल दो सन्नाटा, बात समझ आ गई ना। तो मैंने क्या बोला बेटा देख सुन, कि अगर रे जो गिर रही है ना, अगर वो रे पैरा एक्सियल रे होती, रे कैसी होती? पैरा एक्सियल रे होती, है ना। ध्यान सुन, ध्यान सुन, ध्यान सुन, मैंने क्या बोला, मैंने बोला इफ द रे इज पैरा एक्सियल, इफ द रे फॉलिंग ऑन द मिरर, इफ द रे फॉलिंग ऑन द मिरर, फॉलिंग ऑन द मिरर इज पैरा एक्सियल, इज पैरा एक्सियल, देन थीटा इज वेरी स्मॉल, देन थीटा इज वेरी स्मॉल। अच्छा थीटा वेरी स्मॉल, मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया, थीटा वेरी स्मॉल, एंड इफ साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, देन सीकेंट थीटा, देन सीकेंट थीटा विल बी नियरली इक्वल टू वन, विल बी नियरली इक्वल टू वन। अब ध्यान से देख, अब पुट कर दे उसको ऊपर, ध्यान से देख, तो अब देख तेरा एक्स आ गया, एक्स क्या आ गया, एक्स आ गया आर माइनस आर बाय टू विल बी इक्वल टू आर बाय टू, और बेटा इसी को बोला जाता है फोकस, इसी को बोला जाता है फोकस। तो सर मतलब ये क्या बात हुई सर, ये ऐसे फोकस कैसे? मैंने बोला देख ध्यान सुन, अब फोकस की डेफिनेशन सुन ले एक बार बहुत बड़े ढंग से।
फोकस वो नहीं होता कि कोई मेरे आई पैरेलल और काट के चली गई, वो फोकस नहीं है। ध्यान सुनना, फोकस ऑफ अ मिरर, फोकस ऑफ अ मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस ऑन द क्या बोला मैं, फोकस ऑफ अ मिरर, फोकस ऑफ अ मिरर इज अ, मैं तो मेरे से सीरियस नहीं हो जाता यार कभी भी यार, ध्यान सुनो, फोकस ऑफ द मिरर, अब ऐसे देखो अच्छा मस्त निकलेगा, वैसे मैं बोलो ऐसे नहीं निकल दो, फोकस ऑफ अ मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, फोकस ऑफ द मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर अ पैराएक्सियल रे, वेयर अ पैराएक्सियल रे कट इट, वेयर अ पैराएक्सियल रे कट इट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, वेयर द पैराएक्सियल रे कट इट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। क्या मेरी बात समझ आ गई? प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से पैराएक्सियल रे को कट करती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अगर यही रे अगर पैराएक्सियल रही होती तो ये जिस पॉइंट को काटती मैं इसी को फोकस बोल देता, मैं इसी को फोकस बोल देता, पर अभी ये पैराएक्सियल रे जैसी दिख नहीं रही, इसलिए मेरे को तो बस ये बात याद होनी चाहिए हमेशा के लिए। भाई साहब आधी रात को भी तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आधी रात को भी ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। भाई साहब ये वो दूरी है, ये वो दूरी है जहां पर कोई रे काटती है प्रिंसिपल एक्सिस को आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कैसे काटेंगे, इसे निकल जाएगी यार, हाँ ना, तो बोल क्या मेरी बात समझ आ गई? दिस इज द डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस है, ये उस पॉइंट का डिस्टेंस है पोल से, ये उस पॉइंट का डिस्टेंस है पोल से जहां पर कोई रे काटने वाली है प्रिंसिपल एक्सिस को आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम, सोच लो पक्की बात एकदम 110%। चलो एक बार इसको नोट करो, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारे सवाल कराता हूँ इसके ऊपर, फिर तुम्हें फील आएगा भाई साहब, मजा आ जाएगा एकदम, है ना, जंग से एकदम। चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो आ जाओ, देखो एक जबरदस्त सा सवाल अब आपके सामने है। क्या सवाल है? बोला गया कि आ कनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ एफ, ठीक है, फोकल लेंथ है उसकी एफ। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और बोला गया कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कमिंग टू इट एट अ डिस्टेंस एफ अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर, एफ ऊपर, एक रे आकर इस मिरर को स्ट्राइक कर रही है। और क्या बोला गया? बोला गया कि वेयर विल द रे कट द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द मिरर, ठीक है, कि मिरर से टकराएगी और टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पर काटेगी वो आप बता दीजिए, है ना। चलो आ जाओ, बहुत बड़े ढंग से इसको सॉल्व करते हैं, पर मैं तो कहता हूँ उससे पहले एक बार खुद से ट्राई करो यार, है ना, खुद से ट्राई करोगे तो मजा आएगा थोड़ा सा। चलो वीडियो एक बार यहीं पे स्टॉप करो और खुद से ट्राई करो, करो। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गावे, करा तुमने, नीचे कमेंट कर दिया आंसर। अब देखो सुनो, आ जाओ मैं कराता हूं। तो बोला गया कि कनकेव मिरर, मैं निकल लू पढ़ते चलो बस ध्यान से, है ना, कुछ है ही नहीं। बोला कनकेव मिरर है ना, ये कनकेव मिरर मैंने बना दिया। बोला उसकी फोकल लेंथ एफ है, मैंने कहा ठीक है। बोला अगर फोकल लेंथ एफ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 2f, कितना है 2f, अरे हाँ ना तो बोल यार, फोकल लेंथ अगर एफ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 2f, अरे हाँ ना तो बोल दे यार, r by 2 is equal to f ना, वो तो ठीक है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से सुन, फिर बोला कि इस कमिंग टू इट, ठीक है भाई। बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस से f ऊपर आ रही है, मैंने कर लो प्रिंसिपल एक्सिस से, मैंने बोला f ऊपर आ रही है ना, मैंने कर लो भाई f ऊपर आके हमने इसको ऐसे गिरा दिया, अच्छे से गिराते हैं आज ना, बढ़िया ढंग से गिराते हैं, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें, एकदम बढ़िया डायग्राम बनाएंगे, आ जाओ। तो मैंने बोला लो भाई पैरेलल ऐसे आके मैंने उसको गिरा दिया, और कितना ऊपर है, बोला गया एफ ऊपर है, कितना ऊपर है एफ ऊपर है। अच्छा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां रहा होगा, कहीं तो यहां रहा होगा ना, मैंने कहा ठीक भाई। अच्छा पढ़ते ही क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के लिए तीन चीजें चाहिए, इंसिडेंट रे, येरी, नॉर्मल, आ जाओ बना देते हैं। चलो अब देखो नॉर्मल बढ़िया बनाऊंगा मैं, ये लो खुपाच, ये रही नॉर्मल, ठीक है, ये रही अपनी नॉर्मल। तो जितने एंगल पर आकर स्ट्राइक करी है ना, उतने ही एंगल पर वापस भी चली जाएगी। तो ये कहां काटेगी, ये दूरी x ही मुझे बतानी है, ये दूरी x ही मुझे बतानी है। तो सर अभी तो आपने फॉर्मूला बताया सर कि x क्या होता है, x होता है r माइनस r बाय 2 secant थीटा। बोला सर देखो हो गया, मैंने कहा कैसे हो गया? बोला सर r तो अभी अभी आपने बताया 2f है, मैंने कहा ले रख दे, तो 2f माइनस 2 कट जाएगा, या f और साथ में secant थीटा। बोला सर ये secant थीटा नहीं पता चल रहा बस, मैंने कहा देख वो भी पता चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा, तो ध्यान से देख बेटा, तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये 2f है, अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, तो कितना है 2f है। अच्छा भाई तो ये जो येलो जो है ना, ये क्या है, ये 2f है। अच्छा ध्यान से देख, तो अगर यहां पर अगर मैं ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दूं इसको ऐसे मिला के, तो ये कितना है f है ना, ये कितना है f है। अब तो ध्यान से देख ट्राइंगल बन गई है, जिसमें जो हाइपोटन्यूज है वो है 2f और जो परपेंडिकुलर है वो है f, साइन का रिलेशन होता है कि नहीं होता, देखो तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटन्यूज, मतलब f बाय 2f, f ने f को मार दिया,
साइन थीटा 1/2, तो थीटा कितना आया भाई साहब, थीटा आ गया कितना 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अरे कॉस थीटा कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, तो सेकेंड थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, लो आंसर आ गया, क्या बताऊं उसमें, देखो सुनो, तो x कितना आ गया, x आ गया 2f - f, अच्छा सेकेंड थीटा होता है 1/cos थीटा, है ना, तो √3/2, है ना, √3 और बाय 2, जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो, तो क्या आया 2f कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा 1 - 1/√3, इतनी दूरी पर काटेगी। बच्चा पता है क्या सोचता है, पैरेलल देखते ही बोलेगा ऐसे काटेगी, एक ऑप्शन एफ भी मिलेगा, भाई साहब एफ मार्क कर दिया तो गलत हो जाएगा, अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो, एफ मार्क कर दिया तो गलत हो जाएगा, आंसर ये है भाई साहब, है ना, और इसको ये कंसेप्ट पता है ना उसी का होगा ये, और किसी का होने वाला नहीं है। बाकी तो तुम्हारे गधेड़े होंगे बहुत सारे, तो एफ मार्क आएंगे बोलेंगे खुशा मेरा हो गया, बोलेंगे बाहर आके ये कोई सवाल है भाई साहब, ऐसा सवाल पूछते एग्जाम में, एम्स में सवाल पूछा था, ये किसमें पूछा था, एम्स में पूछा था भाई साहब, हाँ सन्नाटो, फिर बाहर आके क्या बोलेगा बच्चा, एम्स में ऐसा सवाल पूछते हैं, पैरेलल आई फोकस, फोकस भी तो जाएगी, बोला 10वीं क्लास में पढ़ा था मैंने, अबे नहीं पढ़ा तूने, देख ये देख, अरे आना तो बोलो, इतना आसान नहीं होता है चीजें, मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब, जोर लगाना पड़ता है तब जाके बात बनती है, कराने वाला मैं हूं, करने वाले तुम बन जाओ, मेरी गारंटी भाई साहब सिलेक्शन पालोगे, ठीक है ना, थोड़ी सी भी कमी नहीं छोड़ूंगा भाई साहब, 1% भी, मेरी गारंटी इस चीज की, एकदम फ्री में बहुत बड़े ढंग से जबरदस्त पूरा कंटेंट लगाऊंगा, लाइन से लगाऊंगा भाई साहब, पूरा 11वीं का पूरा 12वीं का सिलेक्शन की गारंटी मेरी। अच्छा आ जाओ देखो, करो आ जाओ देखो, एक और सवाल करते हैं फिर उसके बाद स्टॉप कर देंगे आज की चर्चा, ठीक है ना। अच्छा उससे पहले अगर यार तुम लोग यहां तक आए हो, इसका मतलब तुम्हें यार समझ तो सारा कुछ आया है, और अगर समझ आया है तो भाई साहब लाइक करना वीडियो को जरूर, और नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि समझ आया कि नहीं आया, भाई साहब एकदम ऑनेस्ट मेरे को फीडबैक चाहिए, ऑनेस्ट फीडबैक मिलेगा तभी हम लोग आगे भी काम कर पाएंगे, मेरी बात समझ आ गई ना। और अगर समझ आ गया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, अच्छे दोस्त का फर्ज अदा करना भाई साहब, अपने दोस्त को भी ऐसा बनाना कि वो भी तैयारी करे, और दोनों भाई साहब मिलके एकदम, दोनों भाई साहब जाना IIT में और वहां पर जाकर रॉक कर देना एकदम मामला, बात समझ आ गई ना। चलो आ जाओ देखो, अब करते हैं देखो क्वेश्चन अच्छा सा, देखो क्या क्वेश्चन है, मैंने बोला कि मान लीजिए कनकेव मिरर है, ठीक है ये कनकेव मिरर, ऐसा नहीं कि भाई साहब ये फॉर्मूला कनकेव में काम करता है, कन्वेक्स में भी करता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं उसके अंदर, है ना। देख मैंने बोला मान लो कनकेव मिरर है, बोला ठीक, मैंने बोला इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने बोला मान लो 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर है, ठीक है, और मैंने बोला कि ये मान लो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया, पोल पता है ना, पोल इज द पॉइंट ऑफ द मिरर टेकन बाय अस, अरे हाँ ना बोलो, सो दैट वी कैन मेजर द डिस्टेंसेस इजीली, है ना। तो क्या बोला, बोला इसके ऊपर ना एक रे आके ऐसे स्ट्राइक करती है पैरेलली, और बोला यहां से ना ऐसे 3 मीटर की दूरी पर आती है, यहां से ऐसे 3 मीटर की दूरी पर आती है, तो मैं बोला गया कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल वेयर द रिफ्लेक्टेड रे विल कट द प्रिंसिपल एक्सिस, अंग्रेजों का सा नाम लग रहा है ना, विल कट, ओके विल कट द प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने कहा लो वही आ जाओ, विल कट द प्रिंसिपल एक्सिस। चलो एक बार ट्राई करो, ये सवाल तुमसे होना चाहिए, पक्की बात है होना चाहिए भाई साहब, एक सवाल देखो इसके जैसे करा चुका हूं, डेटा देखे नॉर्मल सवाल कराया, गलत मत करना यार, चलो कर दो जल्दी कर दो, देर नहीं करनी बिल्कुल एकदम, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, है ना, पर जल्दी इस साल पेपर हो जाए तो हुआ ही नहीं है, जल्दी करो, करा तुमने आंसर कमेंट करा है नीचे, आंसर कमेंट जरूर करना यार, मजा नहीं आता मेरे पढ़ाने में ना, देखो सुनो आ जाओ, तो भाई रे गिरी क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, कितनी चीजें चाहिए, 3 चीजें चाहिए, इंसिडेंट रे, दूसरी नॉर्मल, लो बना लेते हैं आ जाओ। देखो मैंने बोला मान लो कहीं यहां इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, है ना, 5 मीटर बोला है ना, ऐसे दे बोलो ना यार 5 मीटर, है ना, ये 5 मीटर है मान लो, पूरा का पूरा तो 5 मीटर रहा होगा, ठीक है, तो बोला यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, मैंने कहा ले आ जाओ बना देते हैं नॉर्मल, लो ये रही नॉर्मल, ये क्या है, ये है नॉर्मल, ठीक है, ये क्या है, ये है नॉर्मल, बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाकर ये आई है उतने ही एंगल पर भग जाएगी, अरे सन्नाटो उतने ही एंगल पर भग जाएगी, इसमें कौन परेशानी वाला बात तो है ही नहीं भाई, अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो, अरे पढ़ भी आता हूँ कभी कभी, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो यहाँ काटेगी, अब मेरे को बस ये दूरी बतानी, मेरे को क्या बतानी, दूरी बतानी, फॉर्मूला तुम जानते हो, अभी भी बताया यार, है ना, बताया ना क्या बताया, x = r - r/2 secant थीटा, r हमको पता है, ये आया 5/2 secant थीटा, थीटा मुझे बताना है कैसे बताऊंगा, ये तो 5 है ना, अरे ये तो 5 है ना, और ये तो 3 है ना, ये तो 3 है ना, ये तो मैजिक ट्रायंगल बन गई ना,
मैजिक ट्रायंगल मतलब क्या? मैजिक ट्रायंगल मतलब क्या? मैजिक ट्रायंगल मतलब ये, सुनो प्यारे सन्नाटों, अगर ये पांच है, अगर ये तीन है, अगर ये चार है, तो पांच और तीन के बीच में जो एंगल बनता है वो 53 होता है, और यहाँ जो बनता है ये 37 होता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब। तो पांच और चार के बीच में जो बने वो 37, पांच और चार के बीच में जो बने वो 37, और अगर ये पांच है ये तीन है तो ये चार ही तो है, और पांच और चार के बीच में जो बने वो 37, तो थीटा तो मैंने एक बार में पता लगा लिया। अरे सन्नाटो, और कॉस 37 कितना होता है? कॉस 37 दसों बार बता चुका हूं भाई साहब, 4/5 होता है, तो सेकेंड थीटा उसका उल्टा हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है सन्नाटो। आ जाओ देखो, ध्यान से देखो, एक्स इज इक्वल टू 5 - 5/2, और साथ में सेकेंड थीटा लिखना है, तो सेकेंड थीटा तो कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है सन्नाटो। देखो मैं मंत्र से पढ़ रहा हूँ, देखो ध्यान सुनो, एक्स इज इक्वल टू भाई साहब 8 है, 8 - 40 है, 40 - 25 है, 40 - 25 मतलब 15 है, तो भाई साहब 15/8 सही है ना, कैलकुलेशन देख रहे ना, 15/8 और मीटर आंसर आ गया। इसमें कोई परेशानी वाली बात है? अरे हाँ ना, तो बोलो यार, बात समझ आई कि नहीं आई है? ठीक है ना, तो ये थी आज की अपनी चर्चा, जिसमें आखिरी में भाई साहब बिल्कुल मैंने आपको जबरदस्त चीजें बताई हैं। ठीक है, ये सवाल पूछे जाने वाले सवाल है भाई साहब, जी एडवांस में और एम्स वगैरह में, नीट में सवाल नहीं पूछा जाएगा इस तरह का। ठीक है, एम्स में सवाल पूछा गया भाई साहब, जी एडवांस में सवाल पूछा गया, तो अपने को आना चाहिए, पक्की बात है ना, सोच ले, मर तो नहीं गए तुम, तो फिर तुम्हारे यार है ना। चलो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।